तो इसमें हमारे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी शामिल है। तो अभी इन्होंने बात जो बताई कि मूल निवासी की बात बताई, विदेशी की बात बताई, तो ये यूनो का आपको यूनो के बारे में मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। यूनो का मानना है कि कौन सा भी रूलर, कौन से भी कंट्री का रूलर दूसरे कंट्री पर रूल नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण बाय डीएनए यूरेशियन है, तो वो दूसरे कंट्री पर रूल कर रहा है, ये हकीकत है। ये हकीकत हमारे लोगों को मालूम नहीं है। एक फर्स्ट थिंग, यूनो के माध्यम से नियर अबाउट 51 कंट्री ने ये डिनाई किया कि वन कंट्री इज नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप देखेंगे 1985 से लेके यूनो ने दूसरा एक ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट बनाया तो उसके अंडर 193 कंट्री इन्वॉल्व है। वो ड्राफ्ट का नाम है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ये ड्राफ्ट इन्होंने बनाया, और इस ड्राफ्ट का क्या महत्व है, तो ये ड्राफ्ट केवल मूल निवासी की बात करता है, और केवल एक कंट्री की नहीं, तो लगभग 193 कंट्री इसकी बात करती है। इस ड्राफ्ट को लिखने के लिए 1985 से शुरुआत हुई, और ये ड्राफ्ट 2005 में क्लियर हुआ, ड्राफ्ट लिखा, 20 साल लगा। 20 साल लिखने के बाद ये यूनो में इसके ऊपर चर्चा हुई, ये रखा। रखने के बाद ये ड्राफ्ट के अगेंस्ट में यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रियों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। अभी इन कंट्रियों में 193 कंट्रियों में से ये चार कंट्री ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग करने के बावजूद जब इनको इंटरनेशनल प्रेशर आया तो इन्होंने समर्थन में वोट करना पड़ा। मतलब कि ये इंडिजिनियस लोगों के बारे में ये ड्राफ्ट बनाया, 46 आर्टिकल है। अगर आप लोग पढ़ेंगे इसको, 46 आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इस देश का लैंड, जमीन, जो लैंड है, रिसोर्सेस है, मिनरल सारे के ऊपर केवल और केवल मूल निवासी का कब्जा होना चाहिए। आप देखेंगे 1947 के बाद जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, जैसे कि यहाँ पर अभी डिस्कस हुआ, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर सारे के सारे रिसोर्स पर यूरेशियन ब्राह्मणों का कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि केवल हम ही इस देश में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, 193 कंट्री इसके समर्थन में है। और ये मामला 193 कंट्री का जो मामला है, वो हम लोग, ये जो हमारे कंट्री का जो मामला है, इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिखाओ, ऑफिसेस में दिखाओ, लगाओ, इसके बारे में स्टडी इंफॉर्मेशन दे दो। लेकिन इसका कहीं पर जिक्र नहीं हुआ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेस में, इसमें कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम इसके माध्यम से, हमारे जो इंटरनेशनल साथी है, इनके माध्यम से ये बात हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ पॉपुलेशन है, तो हमारा परसेंटेज कितना, 85% है। हम लोग 85% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग 85% है। 85% में अगर वोट कितना है, 85% लोगों का 62 करोड़ वोट है इंडिया में, 62 करोड़ वोट है। जिन लोगों को अगर आप देखेंगे 1952 से लेकर 2014 तक 11 या 12 करोड़ जिस पार्टी को वोट मिलता है, वो पार्टी रूलिंग में आती है, 11 या 12 करोड़। मतलब 62 करोड़ में से 11 या 12 करोड़ अगर वोट माइनस करेंगे, लगभग 50 करोड़ वोट अगेंस्ट में है।